हेलो दोस्तों, मनमीत्स किचन में आप सबका स्वागत है। तो ड्राई गुजिया की रेसिपी आप सबने देख ली होगी मैं उम्मीद करती हूँ, और मुझे कई लोगों के कमेंट्स आए कि उनको बहुत पसंद आई है रेसिपी। तो अब हम देखेंगे चाशनी वाली गुजिया की रेसिपी। जो ये गुजिया है ये दिल्ली साइड बहुत फेमस है, और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है देखने में। बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी और जूसी गुजिया बनती है। आप एक बार इसे बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको। ड्राई गुजिया का अपना टेस्ट है और इसका अपना, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। बहुत ही आसानी से टूट रही है, सॉफ्ट है, साथ ही साथ क्रिस्पी भी है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, बहुत ही प्यारी रेसिपी बना के तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आटा गूंदने का प्रोसेस जैसे कि मैंने पहले भी बताया है वो सेम है। तब तक इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने 500 ग्राम मैदा और 125 ग्राम घी लिया है। यहाँ मैंने खोया लिया है घर पे बना हुआ, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। यहाँ हम लेंगे ग्रेटेड कोकोनट, जो सूखा नारियल होता है वो है, और साथ में किशमिश ली है मैंने, साथ में ड्राई फ्रूट्स है, काजू और बादाम, साथ में मैंने इलायची ली है, जो छोटी इलायची होती है उसे कूट के ले लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा नटमेग यानी कि जायफल और काली मिर्च। इसमें जो हम चीनी लेंगे वो रहेगी कम, तो आपको 150 ग्राम से ऊपर चीनी नहीं लेनी है। 150 ग्राम से भी कम ही लें तो बेटर है इतनी क्वांटिटी के लिए, क्योंकि हम चाशनी की कोटिंग करेंगे। तो पहले आटा गूंदने का प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमको जो आटा है उसमें घी मिला देना है और चुटकी भर नमक डालना है, हल्का सा टेस्ट बढ़ जाता है उससे गुजिया का। तो मैं बात कर रही थी कि हम एकदम खस्ता गुजिया बनाने वाले हैं। तो खस्ता गुजिया कैसे बनती है, जब आप मोयन अच्छा लगाते हैं तो यहाँ पर अच्छे से घी को मिला लीजिए मैदे में, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। ये मोयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आटा गूंदने से ज़्यादा टाइम इस प्रोसेस में लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। तो इसको अच्छे से करिए, ब्रेड क्रम्स की जैसा लगना चाहिए ये डो जब आप इसे कंबाइन करें, देख सकते हैं आप। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सक डो लगा लेते हैं। जब हम इतना घी डाल देते हैं ना, तो घी में नमी होती है, तो होता क्या है, आप सख्त डो लगाएंगे, जब आप उसे थोड़ा सा रेस्ट करवाओगे डो को, तो वो अपने आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो थोड़ा सख्त ही लगाना आप। तो ये प्रोसेस देख लीजिए, मैंने बहुत बार बताई है डिटेल में ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए मिलते हैं आटा लगाने के बाद। तो आप देख सकते हैं मैं अच्छे से गूंद रही हूँ आटे को, थोड़े क्रैक्स रहेंगे, क्रैक्स रहने दीजिए, कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम इसे रेस्ट करवाएंगे ये अपने आप एकदम स्मूथ हो जाएगा, आप देखते रहिए। तो चलिए हम एक बार जो स्टफिंग बनानी है उसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे सूजी, जो मैंने पहले शायद नहीं दिखाई, 100 ग्राम सूजी लेंगे, इसे अच्छे से भून लेंगे घी में। मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी भी ऐड करूँगी। तो रवा को जब हम थोड़ा सा लाल कर लेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे, और जैसे कि ये सारी फिलिंग जो है अगर आपकी बच भी जाती है तो हम इसे फ्रिज में रख के काफ़ी दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक चीज़ ज़रूर करनी है कि जो हर चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से भुनी हो, नहीं तो गुजिया और स्टफिंग का ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ मैंने सूजी भून ली है, सूजी बाहर निकाल लीजिए, और उसके बाद भुनेंगे हम अपने ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप चाहे तो आप और भी चीज़ें ले सकते हैं, आप चिरौंजी ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं। मैं पिस्ता से गार्निश करूँगी क्योंकि वो बहुत सुंदर लगता है देखने में, तो मैं अंदर नहीं डाल रही। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं।
चलिए, तो हमारे ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं। अब जो हमने खोआ बनाया था उसे थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि ये फ्रिज से निकाला है मैंने, तो ये जमा हुआ है। इसे थोड़ा सा पिघला लेते हैं और इसी के साथ हम अपना बचा हुआ आइटम जो कि है नारियल, उसे थोड़ा सा पका लेंगे। बीच उसी दौरान हम लोग यहाँ पर छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे या फिर कुटी हुई इलायची, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका, बहुत ज़रूरी है, ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ मैं नारियल डाल रही हूँ, नारियल जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस रेसिपी में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। बट इसे भूनना बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसे बस 2-3 मिनट भूनिए और स्टफिंग हमारी रेडी हो जाएगी। फिर हम असेंबल कर लेंगे एक बार स्टफिंग को। मैं यहाँ पर जायफल डाल दूंगी और जो मैंने काली मिर्च ली थी वो भी डाल दूंगी। तो हमारी स्टफिंग रेडी है, जो हमने पहले इंग्रेडिएंट्स करके रखे हैं उसे भी मिला देंगे। जो मैंने यहाँ पर किशमिश डाली है, इसे ज़्यादा नहीं पकाते कभी भी, तो यहाँ पर आप फ्लेम ऑफ़ कर दीजिए और बाकी की चीज़ें ऐड करके हम एक कंबाइन कर लेंगे मिक्सचर को और फिर चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। तो यहाँ हमारी स्टफिंग रेडी है, हमारा डो भी रेस्ट कर चुका है, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो कि है चाशनी बनाना। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चीनी ली है और 400 ml या 400 ग्राम के आसपास पानी। तो हमें चाशनी बनानी है, क्योंकि जब हम चाशनी बना के उसे रख देंगे तो जब वो हल्की हल्की गर्म होगी तब हम जो गुजिया है उसको उसमें डुबोएंगे। तो आप चाशनी पहले बना लीजिए, चीनी को अच्छे से घुलने दीजिए, उसके बाद देखते हैं हमें कितना पकाना है। तो यह चीनी अच्छे से घुल चुकी है, इसे आप 5 मिनट और पका लीजिए, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे शुगर सिरप को। तो शुगर सिरप जो है एक तार की चाशनी आप कह सकते हैं वैसा होना चाहिए, लेकिन एकदम स्टिकी फील हो आपके उंगलियों के बीच में। बेशक एक तार ना भी आए, एकदम स्टिकी स्टिकी सा लग रहा है, तो हमारी चाशनी रेडी है। मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं एकदम पतली सी तार आ रही है और स्टिकी तो है ही। तो हमारी चाशनी रेडी है, इसको साइड रख देते हैं। तब तक हम अपने आटे को एक बार वापस से नीट कर लेते हैं। देख रहे होंगे आप कि ये और सॉफ्ट हो गया है पड़ा हुआ, तो एकदम स्मूथ कर लिया है मैंने। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसे आप नाइफ से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, इसमें क्रैक्स कम आएंगे। पहले मैंने हाफ हाफ में कर लिया है, अब एक पोर्शन को उठा के उसे लंबा रोल करेंगे और छोटे छोटे पोर्शन कट कर लेंगे। तो जो चाशनी वाली गुजिया बनती है, मैं उसके लिए आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। अगर आपने मेरी ड्राई गुजिया देखी होगी तो उसमें जो हम गुजिया बना रहे थे वो थोड़ी पतली बन रही थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मोटा रखेंगे हम चपाती को। तो थोड़ा सा डो आपका बड़ा होना चाहिए, डिपेंड करता है आपको कितनी कैसी गुजिया बनानी है, छोटी या बड़ी। मैं बड़े साइज़ की बना रही हूँ, उससे थोड़ा टाइम बचता है। और जब हम सर्व करते हैं आप उसको हाफ ऑफ करके सर्व कर सकते हैं, आपकी चॉइस है एग्जैक्टली ये। तो यार लोइयां थोड़ी सी तैयार कर लेंगे और फिर चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो चलिए, यहां पर मैंने एक लोई ले ली है, उसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे और फिर हम इसे बेलते हैं। तो आपको इसको जितना गोल हो सके उतना बेलना है, हल्का सा, अगर बिल्कुल गोल नहीं है, हल्की सी शेप डिफरेंट भी है तो भी चलेगा। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है बेसिकली। हमें इस रोटी को अपने हाथ में लेना है, आप पहले एक बार देख लीजिए थिकनेस, थोड़ी मोटी है और मैदा जो है उठाते सार श्रिंक होता है, तो आप थोड़ा सा पतला ही रखिए, वापस श्रिंक होगा। तो नीचे वाली साइड को ऊपर करके मैंने हाथ में पकड़ लिया है। तो अब क्या करेंगे, पहले किनारों पे पानी लगा देंगे, बीच में हम डालेंगे स्टफिंग, और स्टफिंग डालने के बाद हमें रोटी को हाफ में फोल्ड करना है।
तो बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। यहाँ पर स्टफिंग डालिए, मेक श्योर कीजिए स्टफिंग कोने पर नहीं आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और आप रोटी को ऐसे हाफ में फोल्ड कर दीजिए, जो इधर के किनारे हैं वो दूसरी साइड के किनारे पे प्रॉपरली चिपका देंगे। पानी लगाने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत अच्छे से मैदा आपस में चिपक जाता है। तो सबसे पहले आप किनारे चिपकाइए, उसके बाद देखते हैं। अब आप देख सकते हैं एक क्रीज बन गई है कि हमारी स्टफिंग कहाँ तक है, और जो स्टफिंग के बाहर का मैदा है उसको बेसिकली हमें डिज़ाइन देना है। तो आप डिज़ाइन एक बार ध्यान से देखिए, हम एक कोना लेंगे उसे प्रेस करेंगे अच्छे से ताकि वहाँ का मैदा बाहर आ जाए, फिर अगला कोना लेंगे उसको वापस घुमाएंगे पिछले मैदे के ऊपर और ऐसे प्रेस करते रहेंगे। प्रेस करके क्या होता है, मैदा बाहर आ जाता है, उसको फिर वापस अंदर फोल्ड कर दीजिए। आप देख सकते हैं, आप गुजिया उठा के थोड़ा सा उसको टेढ़ा करके भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। कई लोग इसको हाथ में पकड़ के भी बनाते हैं, मुझे रख के ज़्यादा अच्छे से बनता है। तो यहाँ मैं रख के ये डिज़ाइन बना रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा डिज़ाइन बन रहा है, प्लस बहुत सुंदर लगता है देखने में। और जो इसकी आउटर, ये जो मोटी वाली कोटिंग है, ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो एक और देख लेते हैं कैसे बनाना है और फिर चलेंगे फ्राइंग के प्रोसेस में। तो पानी लगाइए सबसे पहले, आप पानी बाद में भी लगा सकते हैं बट पहले लगाना ज़्यादा बेटर है। स्टफिंग डालिए, आधी आधी में फोल्ड कर दीजिए, किनारे अच्छे से चिपकाइए, और फिर जो हमारी क्रीज बनी है उतने मैदे को हमें डिज़ाइन देना है। आप देख सकते हैं, तो यहाँ मैं डिज़ाइन दूंगी इसको वापस से। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा डिज़ाइन बनाया मैंने, क्योंकि मैंने ये डिज़ाइन ज़्यादा नहीं यूज़ किया अभी तक। मैंने ये रेसिपी शूट करने के लिए स्पेशली इसकी प्रैक्टिस करी और काफ़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी गुजिया बनी, क्योंकि हमारे सारे प्रोसेस जो हमने फॉलो किए हैं ना वो एकदम परफेक्ट है। अगर आपको लग रहा है एक्स्ट्रा मैदा है ज़रा सा, तो उसे निकाल भी सकते हैं आप, बट आपको अच्छे से सील करना है गुजिया को। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी गुजिया रेडी कर ली है। घी का टेम्परेचर बहुत ज़रूरी, मैंने मैदा डाला, हल्के हल्के बबल्स आए, एकदम से ऊपर नहीं आया, तो आप मेक श्योर कीजिए कि इतना ही गर्म हो। सिंस हमारी गुजिया मोटी है, हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, और जैसे कि ड्राई गुजिया में हमने देखा था हल्के हल्के बबल्स आ गए थे, वो बबल्स बिल्कुल नहीं आएंगे अगर आप इस टेम्परेचर पर पकाएंगे। तो पहले 2 मिनट इसे ऐसे ही पकने दीजिए आप, उसके बाद थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा सकते हैं, आपको देखना है ये। और एकदम से करछी ना लगाइए, आप ऐसे कढ़ाई को हिला सकते हैं, उसके बाद इसे हम पलटेंगे और इसको एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी गुजिया बनी है। तो आप एक बार देखिए ज़रा कितनी क्रिस्पी और खस्ता लग रही है देखने से, अगर नहीं लग रही तो आप बताइए। बहुत ही अच्छी गुजिया बनी है, आप ऐसे भी खा सकते हैं इसे, बट हमने सिंस शुगर थोड़ी कम रखी है फिलिंग में, तो हम इसे चाशनी में डुबोएंगे। तो चाशनी इस स्टेज पर थोड़ी गर्म है, इतनी गर्म ही चाहिए हमें, और हम क्या करेंगे, 2 या 3 गुजिया जितनी एक बार में आ जाती हैं उतनी डुबो देंगे। अब अगर आपको एकदम जूसी सी और सिरप वाली गुजिया चाहिए, तो आप गुजिया को 3-4 मिनट चाशनी में रखें। मेरे को थोड़ी सी कम शुगर सिरप पसंद है, तो मैंने इसे सिर्फ 1 मिनट रखा, इसे डाला और आधे मिनट बाद ही आप कह सकते हैं निकाल दिया, बट ये डिपेंड करता है आप पे। मार्केट जैसी चाहिए तो इसे 3-4 मिनट डुबो के रखिए और फिर निकाल लीजिए, और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो जैसे ही आप चाशनी से निकालेंगे, तो हम उस पर क्या करेंगे कि पिस्ता की कतरन डालेंगे, क्योंकि गीली गीली पे वो चिपक जाएगा। तो यहाँ मैं दूसरी भी गुजिया डाल देती हूँ चाशनी में, तब तक हम वो 3 जो गुजिया है उस पर पिस्ता कतरन डाल देते हैं। तो एक बार आप देख के बताइए आपको कैसी लग रही है ये गुजिया। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये हलवाई से भी बेटर है, शुद्ध इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं, प्लस रेसिपी परफेक्ट है। तो आप ये ज़रूर एक बार बनाइएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बने, और अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
तो दूसरा बैच फ्राई हो रहा है, एक बार उसको भी फ्राई करके शुगर में डुबो के और हम सर्व करेंगे, और फिर देखते हैं कैसे गार्निश कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हम गुजिया सर्व कर देते हैं, इस स्टेज पर ये ठंडी हो गई हैं, एकदम गर्म नहीं है। तो थोड़े बड़े साइज़ की गुजिया बनाई है मैंने, मुझे थोड़ा सा आसान लगा बड़ा बनाना, आप चाहे तो थोड़ी छोटी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिल्वर वर्क से गार्निश कर रही हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था, आपके पास हो तो ज़रूर करें, देखने में और खाने में बहुत अच्छा लगता है। और अब आपको मैं दिखाऊंगी जो कि है रियल टेस्ट, इसको तोड़ के आप देख सकते हैं कितनी फ्लफी सी गुजिया बनी है। ये देखिए आप, बहुत अच्छी फीलिंग है अंदर, बिल्कुल कमी नहीं है। और एक बार आप जो हमारी गुजिया है देखिए कितनी खस्ता है, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो ये परफेक्ट रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।